कॉमर्स क्लासेस मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर की केस स्टडीज करेंगे। तो केस स्टडी करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको उस चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले तो गाइस फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग और उसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर केस स्टडी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको सेबी का टॉपिक मिल जाता है, सेबी में उसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जिन्हें याद करना बहुत आसान है। प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, रेगुलेट एंड डेवलप, चार वर्ड याद करके आप सेबी के ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो। उसके फंक्शंस रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो है आपके मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ना। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, येस मनी मार्केट में पैसा, प्राइमरी मार्केट में पैसा किस तरीके से रेस किया जाता है, कौन से पांच तरीके हैं जिनसे प्राइमरी मार्केट में पैसा रेस किया जाता है, इस पर शॉर्ट्स वगैरह भी बन रखे गाइस। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है 12th की बिजनेस की, आप देख सकते हो हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया गया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, आप देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सीधा कूदेंगे केस स्टडीज़ पर, ताकि हम लोग टॉपिक्स जो हैं वो उन वीडियो से सीखें और यहाँ पर केस स्टडी जितनी मैक्सिमम हो सकती है उसको करें, ठीक है। तो सबसे पहले केस स्टडी यहाँ पर जो है उसमें मेंशन वन मैंडेटरी डिटेल विच शी विल हैव टू प्रोवाइड विद द ब्रोकर, यानी कि इस केस स्टडी में पूछा है वो कौन सी मैंडेटरी डिटेल होती है गाइस जो उसे अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। अब इसमें बोला है अंकनास ग्रैंडफादर हैज गिफ्टेड हर अ शेयर ऑफ अ लार्ज सीमेंट कंपनी विथ विच ही हैड बीन वर्किंग, यानी कि अंकना के दादाजी ने उसको एक शेयर्स दिए हैं बड़ी अच्छी सीमेंट कंपनी के जहाँ पे वो काम करते थे। द सिक्योरिटी वर इन अ फिजिकल फॉर्म, पेपर्स में है गाइज वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड शी ऑलरेडी हैज़ अ बैंक अकाउंट, उसका अपना बैंक अकाउंट है, एंड डज नॉट पोजेस एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और उसके पास और कोई सिक्योरिटी नहीं है। शी विश टू सेल देयर शेयर्स एंड अप्रोच्ड अ रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर द पर्पज़, और वो चाहती है कि वो उन शेयर्स को बेच दे और इसके लिए वो रजिस्टर्ड ब्रोकर को कॉन्टेक्ट करना चाहती है। तो आपको पता है जब भी आपको अगर शेयर मार्केट में उतरना है तो सबसे पहली चीज़ मैंडेटरी क्या होती है, दैट इज़ योर पैन नंबर, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम कहते हैं, जो कि आपका बन जाता है बहुत आसानी से, बन जाता है 100-200 रुपए की फ़ीस में, तो आप वो बनवा सकते हो, वो चाहिए होता है सबसे पहली चीज़। ऑल्सो मैंशन टू मोर इन्फॉर्मेशन दोज शी विल हैव टू प्रोवाइड विद द ब्रोकर, तो उसको और दो कौन सी है, उसे एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा सबसे पहला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी दे सकती है, बैंक अकाउंट डिटेल देना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब हमें मनी मतलब मार्केट में उतरना होता है फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमें ये चीज़ें अब ब्रोकर से पहले ब्रोकर को ये रजिस्टर कराने के लिए देनी होती है, यानी कि हम अपना अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें देनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद गाइस सेकंड केस स्टडी में आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय सेबी इन द अबव केस, आप देखो आ गया ना सेबी का फंक्शन, जो कि मैंने आपको कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ ए शेयर फॉर 800 करोड़ इन 2018, यानी कि एक्स वाई जेड गाइस कंपनी है, उसने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया और कितने करोड़ मांगे, 800 करोड़ मांगे हैं भाई। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 10 times, और देखो कंपनी की किस्मत 10 गुना ज़्यादा उनके पास ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। द कंपनी इशू शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन अ प्रो राटा बेसिस, कंपनी जो है गाइस प्रो राटा बेसिस पर सभी को खुश करती है और सभी को शेयर्स देती है, हालांकि जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया उन्हें कम दिए जाते हैं। लेटर सेबी इंस्पेक्टेड द प्रोस्पेक्टस एंड फाउंड सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करने पर सेबी को पता चलता है कि भाई इसमें तो झोल हो रखा है और गलती हो रखी है। अब सेबी क्या करने वाला है, देखो सेबी इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 3 crore, सेबी ने भाई उस पर 3 crore की पेनल्टी लगा दी एंड बैन इट्स 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर डीलिंग इन अ सिक्योरिटी मार्केट फॉर 3 years, और 3 उसके डायरेक्टर्स को पकड़कर 3 साल के लिए पेनल्टी लगा दी कि आप मार्केट में नहीं खेल सकते। तो ये तो देखो सेबी ने काम किया है। अब इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय द सेबी, तो गाइस देखो सेबी का यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है,
सेबी का यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है वो बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन हो रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोटेक्शन यानी कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम करती है। इसके अलावा सेबी दो काम और करती है, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है? तो प्रोटेक्शन में बेसिकली मिसलीडिंग काम को रोका जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इन्वेस्टर्स को इन सारी चीज़ों से। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि इसका पार्ट है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसके अलावा गाइज कौन सा है? प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सही तरीके से काम हो, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शन होता है रजिस्टर्ड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कराना, ब्रोकर्स का रजिस्टर्ड कराना, मार्केट स्कीम को रजिस्टर्ड करना, ये सारा रेगुलेटरी फंक्शन है। और डेवलपमेंट में क्या आता है गाइज? अपने इंटरमीडिएट्स को डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, रिसर्च करना, पब्लिशिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में आती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो इस केस स्टडी में जो बात करी है, बेसिकली रोक लगाई है ताकि गलत काम ना हो। तो यानी कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे कुछ चीज़ रेगुलेट नहीं की जा रही, यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप नहीं करी जा रही है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। और प्रोटेक्टिव में उन्होंने पूछा उसका टाइप, तो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि रोकना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये स्टडी है गाइस, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइड टू रेज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वो कैसे रेज कर सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। देखो, सीका लिमिटेड आर रेपुटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, नीड्स रुपी 20 करोड़ रुपए चाहिए एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। अतुल जैन द सीईओ ऑफ द कंपनी वांटेड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी। अतुल जैन जो फाइनेंस सीईओ है कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गाइस, वो चाहते हैं वो पैसे इक्विटी शेयर इशू करके करें। ओके, ऑन द अदर हैंड द फाइनेंस मैनेजर नितिन सहदेव सेड दैट द पब्लिक इशू मे बी एक्सपेंसिव। सहदेव कहता है भाई, नितिन सहदेव जो है वो ये कहते हैं कि पब्लिक में इशू करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाना, प्रिंट वगैरह करना, इंटरमीडिएट्स को देखना, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है, सारा कुछ काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर कहते हैं ये एक्सपेंसिव हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ अ वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसिस के लिए। देयरफॉर इट वॉज डिसाइडेड टू अलॉट द सिक्योरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हम ये रेस कर देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। 5 तरीके से मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में मनी को रेस किया जाता है। 5 तरीके हैं। सबसे पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो और मार्केट में आते हो। सेकेंड होता है ऑफर फॉर सेल, जिसमें आप इंटरमीडिएट्स को सिलेक्ट दे देते हो, ठीक है। इसके बाद होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें आप क्या कहते हैं अपने किसी इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच देते हो। ऑफर फॉर सेल में हम ब्रोकर को बेच देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना वर्ड। इसके बाद फोर्थ होता है राइट इशू, जिसमें हम अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर बेच देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हैं, उनको प्रिविलेज दी जाती है कि आप शेयर ले लो। इसके अलावा फिफ्थ होता है गाइस EIPO, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली शेयर इशू करे जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, बेसिकली वो उन्होंने लास्ट लाइन में बताया, इट वॉज डिसाइडेड टू अलॉट द सिक्योरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके आते हैं किस में? प्राइवेट प्लेसमेंट में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके बाद है गाइस फोर्थ केस स्टडी, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइड टू रेज द एडिशनल कैपिटल। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी केस स्टडी जितनी हो सकती है उतनी करना। योर्स लिमिटेड आर रेपुटेड इंडस्ट्रियल मशीन मैन्युफैक्चरर, नीड्स रुपी 10 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंड द बिजनेस। देन अगेन सेम ही केस स्टडी है गाइज, नाम चेंज कर दिए बस। तो फाइनेंस मैनेजर सजेस्ट करता है द शेयर्स मे बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट्स एज द सेम विल बी अ लेस एक्सपेंसिव। तो जब भी इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इंटरमीडिएट्स में गाइज हम अपने ब्रोकर्स को, इंटरमीडिएट एजेंट्स को शेयर्स बेचते हैं, वो हमसे खरीद लेते हैं पूरे के पूरे, फिर वो आगे बेचते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? देखो, हमारा जो एक डर होता था कि अगर 90% शेयर मार्केट में नहीं बिके तो हमें दोबारा से लाना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा, दोबारा सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो हम उससे बच जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली 100% ब्रोकर को बेच देते हैं, ब्रोकर उसे आगे बेचता है। तो हमारी जो एक मेन दिक्कत होती है कि हमारे शेयर अगर मार्केट में नहीं बिके तो, वो वाली दिक्कत खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट्स को बेच देते हैं। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑफर फॉर सेल। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट केस स्टडी पे पहुंचते हैं, जिसका उन्होंने बोला है नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड
थ्रू विच द कंपनी डिसाइड टू रेज एडिशनल कैपिटल. कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है गाइज इसमें भी, ठीक है. इसमें अलग मेथड बताया होगा. देखो पूरा मोहित लिमिटेड रेपुटेड ये है, जिंदल सीईओ है, फिर उसमें फाइनेंस मैनेजर बीच में कूद पड़ा, ठीक है. अब फाइनेंस मैनेजर कहता है दैट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बी ऑफर्ड द प्रिविलेज टू सब्सक्राइब टू द न्यू इशू ऑफ शेयर्स. तो भैया जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करे जाते तो गाइज उसका क्या नाम है, राइट इशू. मैं आपको 5 बता चुकी हूँ, टिप्स पे याद होने चाहिए ये सारे. ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जब आप मार्केट में आते हो पब्लिक को बेचने, ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस आ जाता है, ऑफर फॉर सेल में इंटरमीडिएट्स ब्रोकर्स आ जाते हैं, इसके बाद आपका प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, सिलेक्टेड मेंबर जिन्हें आप प्राइवेटली प्लेस करना चाहते हो अपने शेयर्स, राइट इशू जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हो, EIPO जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट अपने शेयर सेल करते हो. तो यहाँ पर जो बात करी जा रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो क्या होगा, राइट इशू, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है और इसमें आने वाली कोई भी केस स्टडी को गलत नहीं करना है, सही आंसर देना है. नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं गाइस. देखो इसमें है नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू द ट्रांजेक्शन इन शेयर एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ टू डिपॉजिटरी दैट इज अवेलेबल इन इंडिया. तो आपको डिपॉजिटरी के नाम याद होने चाहिए, अच्छी तरीके से कर लीजिए. मिस्टर सलमान्स लेट फादर यूज टू बाई सेल शेयर्स. मिस्टर सलमान के जिनके उसके पापा की डेथ हो गई है और वो क्या करते थे गाइज, वो शेयर को खरीदा और बेचा करते थे ऑन अ लार्ज स्केल. आफ्टर हिज डेथ सेवरल शेयर सर्टिफिकेट वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज बैंक लॉकर. उसके मरने के बाद उसके बैंक से काफ़ी सारे शेयर सर्टिफिकेट्स मिले हैं. वेन ऑल द शेयर सर्टिफिकेट्स वर इन हिज पोजेशन देन ही फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग दैम. भाई हाथ में तो आ गए सारे शेयर्स के सर्टिफिकेट बट बेचना मुश्किल हो रहा था उन्हें बिकॉज नाउ ऑल शेयर ट्रांजेक्शन वर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब आपको पता है सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिकली होती है इंस्टेड ऑफ अ पेपर फॉर्म. His friend informed him that for doing transaction in share, he will have to open an account with depository. हमें depository के पास कौन सा account खोलना होता है, आप सबको पता होना चाहिए guys. DMAT account, DMAT, DEMAT, DMAT account खोलना होता है. अगर हमें market में अपने shares खरीदने या बेचने हैं तो हमारे पास एक DMAT account होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और वो किसके पास खुलता है, depository के पास. और हमें मिलवाता कौन है, मतलब ब्रोकर कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है दो डिपॉजिटरी बताओ. तो हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी, एक तो NSDL है गाइस, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक आपके CDSL है दैट इज़ दी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है. तो ये नाम याद रखने हैं, अच्छी तरीके से केस स्टडी आ सकती है. नेक्स्ट केस स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हमें सॉल्व करनी है इसलिए बातें नहीं कर रही हूँ आज, नहीं तो बातें करती, ठीक है. आज बातें नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हमें सॉल्व करनी है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कंडक्टेड बाय मिस्टर सौरभ भारती एज मेंशन इन द अबव पैराग्राफ. देखो मिस्टर सौरभ भारती एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अ विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड. मिस्टर सौरभ भारती गाइस CA है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर एज अ काम करता है कहाँ पे, विशाल मेगा मार्ट में, ठीक है. इन दिस कनेक्शन ही कंटिन्यूसली विजिट द कंपनी, कंपनी में जाता रहता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद द सीनियर मैनेजर एंड ऑपरेटर ही केम अक्रॉस अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. वहाँ जाने पर उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चलती है क्या. ही लर्न दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर द कंपनी दिस ईयर इज गोइंग टू डिक्लेयर अ हैंडसम डिविडेंड. भाई कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देने वाली है और क्योंकि वो फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसे तो पता चल ही जाएगा ऑफकोर्स, राइट. Often it is observed that when such news become public then the share market jumps up. और उसने कहा कि जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आएगी तो कंपनी के शेयर के प्राइजेस में तो बहुत उछाल आ जाएगा, बहुत बढ़ जाएंगे. Considering it, Mr. Bharti purchased a large number of company share before this news reached the public. और मिस्टर भारती अपनी चलाकी दिखाते हुए कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, वो भी सस्ते दामों में, ताकि वो बाद में महंगे दामों पे बेचें. अब यहाँ पे हमें बताना क्या था गाइज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर कंडक्टेड बाय. भाई उसने सही किया गलत किया, अगर पर्सनली सोचो तो भाई सही किया, उसने अपना फ़ायदा देखा, बट हमारी बुक के हिसाब से उसने सही नहीं किया गाइज. इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि जब कंपनी का बंदा शेयर्स को खरीद लेता है और किसी खुफिया मतलब ऐसी बातों से पता करके, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है. इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टू अर्न प्रॉफिट बाय द होल्डर ऑफ द कंपनीज
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो जब ऐसा हम काम करते हैं तो बुक के हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से तो सही है भाई। खरीद लिया, उसके पास पैसा था, खरीद लिया, इसलिए खरीदा ना। पैसा नहीं होता तो कैसे खरीदता। लेकिन अगर आपको आंसर देना है तो ये मत लिखना कि पैसा नहीं होता तो कैसे खरीदता। आंसर क्या होगा गाइज? इनसाइडर ट्रेडिंग। उसने ये करी है, गलत काम किया है कि उसने खुफिया इन्फॉर्मेशन से अपना फ़ायदा उठाया है। सो इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टू अर्न प्रॉफिट बाय द होल्डर ऑफ अ कंपनीज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद है गाइस नेक्स्ट केस स्टडी, जिसमें हमें नेम द मार्केट एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन बीइंग रेफर्ड टू, ऑल्सो राइट वन मोर फंक्शन ऑफ द सेम मार्केट। मार्केट के गाइस काम बताने बेसिकली। दिस मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी दैट बोथ बायर एंड सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट्स वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। तो भाई यहाँ पे एक ही हम मार्केट है हमारी पूरी बुक में, जहाँ पे हम पैसों की डीलिंग करते हैं, जहाँ पे हम मार्केट में आके अपने पैसों को इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो उस मार्केट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पे उन्होंने, चलो फाइनेंशियल मार्केट तो हम पहचान जाएंगे, उसके बाद उन्होंने बोला उसका फंक्शन बताओ। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियल मार्केट के सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला फंक्शन आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। यानी कि सेविंग्स को मोबिलाइज करके सही जगह पर लगाना सबसे पहला फाइनेंशियल मार्केट का काम होता है। सेकंड, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिसाइड करने में हेल्प कर देता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिसाइड करा देती है, और वो डिमांड और सप्लायर दोनों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, यानी कि जो प्राइस सप्लाई कर रहा है और जिन्हें पैसा चाहिए। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मार्केट में होने की वजह से हम कभी भी अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मार्केट में हमें कहीं पर भी कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, एक मार्केट है वहाँ पर जाएंगे और अपने शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के किस फंक्शन की बात हो रही है गाइस? तो देखो, दिस मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम एफर्ट एंड मनी। यहाँ पर वो हमारा भाई एक तो पैसा बचा रहा है, उसके साथ साथ दैट बोथ बायर एंड सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर। तो फाइनेंशियल मार्केट में रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि पैसा बचाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें वो चीज़ मेंशन करनी है। ऑल्सो राइट वन मोर फंक्शन। तो वन मोर फंक्शन में आप जो भी अदर हैं वो बता सकते हो, मोबिलाइजिंग दी सेविंग इनटू अ किस में था चैनलाइजिंग देम इनटू अ मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, वो लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कौन सा बताया था मैंने, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, वो लिख सकते हो। इसके अलावा गाइस नाइन्थ केस स्टडी है। कई बार क्या होता है, जब मैं पढ़ाती होती हूँ गाइस, तो मैं इतनी पढ़ाते वक्त ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ें मुझे लर्न होती हैं वो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली पढ़ाना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आसान है टिप्स पर हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त इतना पजल हो जाती हूँ कि भूल जाती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्या मतलब कुछ नहीं है, ऐसी बोल रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। स्टेट द कैटेगरी टू विच दिस फंक्शन बिलोंग एंड एनी टू अदर फंक्शन। भाई अगेन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आपको फंक्शन पता होने चार जरूरी हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन अ सिक्योरिटी मार्केट। तो गाइस यहाँ पर हमें एक्चुअल में सेबी का फंक्शन बताना है। सेबी का कौन सा फंक्शन? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी ऑफ इंडिया इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर भाई फेयर अनफेयर को फेयर करना प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, रेगुलेट करना रेगुलेटरी फंक्शन होता है, डेवलप करना डेवलपमेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है। इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं अपनी टेंथ केस स्टडी पर। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। ओके, थोड़ी अब बड़ी केस स्टडी आई है, जिसमें बड़ी भी नहीं है, ये तो बस तीन चार लाइन की है। सुप्रियाज ग्रैंड मदर हु वॉज अनवेल। सुप्रिया की ग्रैंड मदर अनवेल है गाइज, कॉल्ड हर एंड गेव हर अ गिफ्ट पैकेट। उसे एक गिफ्ट पैकेट देती है। सुप्रिया ओपन द पैकेट एंड सॉ मैनी क्रम्ड शेयर सर्टिफिकेट इनसाइड। बहुत सारे गुचड़े मुचड़े से पेपर हैं वहाँ पर। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाई हर लेट ग्रैंड फादर। उसके दादा ने वो छोड़ दिए थे। एज नो ट्रेडिंग इज नाउ डन इन अ फिजिकल फॉर्म। आपको पता है आज के टाइम में पेपर्स पर तो कोई ट्रेडिंग होती नहीं है, तो सुप्रिया वॉन्ट्स टू नो द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग विच ही इज इन अ पोजिशन टू डील विद सिक्योरिटी। तो अब वो गाइज कैसे, कौन से प्रोसेस की वजह से वो मार्केट में आ सकती है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन किसे कहते हैं गाइज? जिसमें हम अपने फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सो इसके अगर डेफिनेशन बुक की बताऊँ, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन अ फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड
and the investor give an electronic entry or a number so that she can hold it as an electronic balance and account. So इसे dematerialization कहते हैं. Also give two reason to Supriya why dealing with share in a physical form had been stopped. क्यों बंद हो गया था guys? क्योंकि देखो सबसे पहला तो इसमें यह हो गया था कि एक दूसरे के साथ बहुत धोखाधड़ी वगैरह हो जाते थे, चोरी कर लेते थे, तो theft और fake certificates बहुत बना लिए जाते थे, तो धोखा बहुत हो जाता था, तो और फट भी जाते हैं, यानी कि destroy कर दिए जाते थे, तो वो भी एक reason है. तो आज की ये 10 केस स्टडीज थी गाइस फाइनेंशियल मार्केट की, जिसमें आपको पता लगा होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको करने हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आईडी है तबिता मैसी, और बस इंस्टाग्राम पर मिलते हैं. थैंक यू.